ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज के शो में बातचीत का आगाज हम पाकिस्तान के शहर सरगोदा में क्रिश्चियंस के ऊपर होने वाले हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से करेंगे इसके साथ साथ हम जायजा लेंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की बिगड़ती हुई सूरत हाल का भारत में जारी इलेक्शंस के नतीजा में बीजेपी के एक बार मजीद इकतदार में आने की सूरत में वर्ल्ड की जियो इकोनॉमिक्स का नक्शा क्या बनेगा इस पर भी तबसरा करेंगे अमरीका के सियासी मंजरनामा पर मुबसरिन क्यों कंसर्न हैं और ट्रंप के दोबारा सदर बन जाने पर दुनिया के पर क्या असर मरतब होंगे इन सवालत के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कैनेडा में इकॉनमी क्यों नीचे जा रही है इसकी वजूहत समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं पाकिस्तान के शहर सरगोदा में क्रिश्चियंस पर होने वाले हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से क्यों पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज को तहफम नहीं कर पा रहा इस पर टाइगोरा साहब आप अपना तबसरा कीजिए देखिए पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज को हमेशा से ही तहफम करने के सिलसिला में नाकाम रहा है Uh, चाहे वो अहमदीज़ uh, इवन शिया हों जो कि काफ़ी बड़ी तादाद की माइनॉरिटी है जो मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी है जो आलमोस्ट कहा जाता है ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट पाकिस्तान की पापुलेशन का हिस्सा बनते हैं चलिए अहमदीज और शीज़ तो मुस्लिम कम्युनिटी से निकले हुए दो सेक्ट्स हैं अहमदीज़ को तो खैर अब नॉन मुस्लिम पाकिस्तान ने करार दे दिया यानी रियासत पाकिस्तान ने अहमदीज़ को नॉन मुस्लिम करार दिया वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो कह भी सकते हैं मगर रियासत ने ये बुनियादी तहफ़ भी फ्राहम नहीं किया एक ग्रुप को और अहमदियों को निकाल दिया अब जो कोट अन कोर्ट नॉन मुस्लिम्स हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के वक्त आलमोस्ट उन्नीस बीस परसेंट से ज़्यादा हुआ करते थे जिनमें हिंदूज़ नंबर वन uh, थे अपनी uh, बड़ी तादाद में फिर uh, ये क्रिश्चियंस सिख uh, uh, और भी छोटी चोट छोटी दूसरी माइनॉरिटीज़ पारसी भी और uh, कुछ और भी माइनॉरिटीज़ लेकिन किसी को पाकिस्तान की रियासत ने कोई तहफ़ फराहम नहीं किया अब आप इसकी मिसाल यूँ देखिए कि अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अगर लिखा हो अहमदियों का कि ये नॉन मुस्लिम है तो ये स्टेट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान के शहरीों के खिलाफ अब सरगोदा में क्रिश्चियंस पर जो अटैक हुआ इस तरह के अटैक पाकिस्तान में ना तो कोई नए हैं और ना ही ख़त्म होने वाले हैं मैं जब इस अटैक के हवाले से सोशल मीडिया पे डिफरेंट क्लिप्स देख रहा था क्योंकि आजकल कोई भी इशू दुनिया में कहीं भी हो तो सोशल मीडिया पर फौन वीडियो क्लिप्स मीम्स और स्टेटमेंट्स आ जाती स्� हैं तो जब मैं वो क्लिप्स देख रहा था तो मैं उन क्लिप्स को देखने के बाद सोचने लगा कि पाकिस्तान के वो लिबरल हल्के नाम लिबरल हल्के या दूसरे हल्के जो ये कहते हैं कि ये कोई माइनॉरिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं अदरवाइज़ पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं वो तो बहुत ही अमन पसंद हैं और वो बहुत प्यार करते हैं नॉन मुस्लिम से इतना बड़ा झूठ है जो इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि ये कितना बड़ा झूठ है ये दुनिया को वर्गलाने वाली बात है हो सकता है पाकिस्तान में मुंह दिखावे के लिए या बड़े शहरों में वाकई कुछ ऐसा हल्का हो आ, जो फैशनेबल का हल्का है जो ये कहते हैं कि जी ये आ, हम तो नॉन मुस्लिम्स को बहुत प्यार करते हैं मगर मैसेज ऑफ पाकिस्तान दे डू नॉट ट्रेट नॉन मुस्लिम लेकिन आपने तो ये पाकिस्तान की बात की चलिए यहीं पे अभी रिसेंटली एक फैज़ अहमद फैस की याद में कोई शो हुआ तो उसके अंदर आ, किसी ने पाकिस्तान में ख़बर ये भेजी कि एक खातून जो हैं सिंगर उन्होंने उठ के माइनॉरिटीज़ के लिए बोलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी अवाम ने मोहब्बत में जो वहाँ मौजूद थी उसको शटअप कॉल दे के भिजवा दिया कि ये इसके ऊपर बात नहीं हो सकती ये बात ये पोलिटिकल बात है तो क्या इस तरह की बात पॉलिटिकल है जबकि फैज़ अहमद फैज़ के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ये सवाल मैं इसलिए लाई कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर भी ये गंद फैलाते हैं बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आप ठीक कह रही हैं ये मसाइल यहाँ पर भी हैं शद मसाइल हैं अब हम तो उस फैज़ इवेंट पर नहीं गए थे नहीं जा सके थे लेकिन वहाँ से भी ऐसी खबरें आई कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के, के खिलाफ प्रापागेंडा ना करें यह है वो है अच्छा क्या प्रापागेंडा करने की बात है भाई पाकिस्तान में वाकई ही माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक हो रहा है अब आप देख लीजिए यही जो आ, वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं सरगोधा में ही जिस तरह की घटिया जुबान वो मासज यूज़ कर रहे हैं दूसरी तरफ से वो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ से गालियों वाली जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रवैया सिर्फ आपको मासेज में नजर नहीं आएगा सोशल मीडिया पे आप चले जाइए सोशल मीडिया पे अभी इसी अटैक के तनाजर में पाकिस्तानियों की बड़ी तदाद लिख रही है कि अभी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रहा मुझे बहुत हैरत होती है कि जब आप डायलॉग करते हैं तो आप उसको बदनामी समझते हैं वो छमेते रहे जो भी उन्होंने समझना है हु केयर्स वाली बात है लेकिन माइंड सेट जो मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपका बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को स्टेट क्यों तो फ्राह्म नहीं कर रही प्रोटेक्शन स्टेट मासस से ही तो वो इलेक्ट होते हैं लोग जैसे तैसे भी इलेक्शन वहां पे होते हैं और जो स्टेट के हदेदारान होते हैं चाहे वो ब्यूरोसी के हों चाहे आर्मी के लोग हों चाहे पॉलिटिशन्स हों वो पाकिस्तान की अवाम का ही रिफ्लेक्शन होते हैं तो जैसी अवाम वैसी सरकारें वहाँ पर अब वो एक दूसरे से ठीक है ये अलग बात है कि वापस में जैसे पंजाबी में कहते हैं छतरो छतरी हो रहे हैं सब मगर आप पूछ लीजिए पाकिस्तान के आम पढ़े लिखे लोगों से मिडिल क्लासियों से लेकर गरीब अवाम तक आप जरा एम के बारे में पूछ लीजिए वहाँ पे क्या तासर है वो कहते हैं जी कि हम नॉन मुस्लिम्स को माफ़ कर देंगे इन एम को तो हम माफ नहीं करेंगे अच्छा चलिए जी आपने नॉन मुस्लिम्स को कहा माफ़ कर देंगे एम को माफ़ नहीं करेंगे मगर हु दल आर यू टू पार्डन एनी करो पार्डन और नॉन पार्डन ठीक है ना जी? हाँ जी अच्छा अब वो ये दावा करते हैं जी कि एम को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन नॉन मुस्लिम्स को भी जिनमें से क्रिश्चन हिंदूज और सिख्स हैं कितना बर्दाश्त कर रहे हैं ये रवैया अक्रॉस द बोर्ड है पाकिस्तान में ठीक है वो मतलब जब इंटरनेशनल दबाव आता है तो ब्यूरोसी आर्मी के लोग कुछ या फिर पाकिस्तान के पॉलिटिशन बोलना शुरू हो जाते हैं कि ये ये हमारा तरीक़ाकार नहीं है भाई मगर कौन सा आपका तरीक़ाकार है पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री सब के सामने पड़ी हुई है वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की एब्यूस होती हैं और माइनॉरिटीज़ के साथ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक होता है बुरा वो उसके बावजूद जब वो कहते हैं जी कि नहीं ये तो थोड़े से लोग हैं जो ऐसा करते हैं भाई आपके गलियों सड़कों महलों में मेजोरटीज़ ऐसे ही हैं और जो आपके कुछ चंद परसेंट नाम निगा सो कॉर लिबरल लोग हैं उनके भी अपने खौफनाक बाइसेस हैं और वो भी इंतहाई थर्ड क्लास लेवल पर सोचते हैं देखिए पाकिस्तान के तीन लिबरल लीडर गुजरे हैं सबसे बड़े लीडर जना तो ने इस्लामिक रियासत बनाई बट्टों ने इस्लामिक बम बनाने का ऐलान किया शराब को बैन किया जुमे की छुट्टी कि किया एम डी यू को नॉन मुस्लिम करार दिया और ख़ुद वो कहता था मैं शराब पीता हूँ ये आपका आखिरी जो लिबरल शजादा है इमरान खान ये कहता है जी मैं प्ले हूँ लेकिन बीवी उसने इस्लामिस्ट रखी हुई और उस पर वो फख्र महसूस करता है आई नोट नो वट ऑफ कंट्रीज़ पाकिस्तान मैं इसी बात पे आने लगी थी बल्कि मैं इस आपकी इसी बात को लेके चलूंगी आगे भी अगला सवाल भी इसी से, से रिलेटेड होगा दरअसल ये तो आपस में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहा है ना एक दूसरे बात कोई किसी के साथ अगर डिसग्रीमेंट करता है तो रिगार्डलेस कि वो किसी और मज़हब से है आपस में भी नहीं

बात करने का हक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन फोबिया हिंदू फोबिया सिख फोबिया हर तरह का फोबिया है बल्कि फोबिया क्या है वहां पे तो सभी को खतरा समझा जाता है और फिर इन सारे ग्रोहों को निशाने पे रखा जाता है कहते हैं कि अब कोई खतरा नहीं क्योंकि हर एक हर एक से खतरा है लेकिन पाकिस्तान की रियासत को शर्म करनी चाहिए चाहे किसी भी सरकार की रियासत हो जब वो वेस्टर्न वर्ल्ड में परसीव्ड इस्लामोफोबिया की बात करते हैं देखिए यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने का एक मैकनिज़म है और फ्रेंकली ये जो इस्लामोफोबिया की बहस है ये मैं फिर किसी वक्त के लिए रख छोड़ता हूँ इस्लामोफोबिया के हवाले से वेस्ट में बसने वाले मुसलमानों का शोर शराबा बहुत है हालांकि अगेन उनके अपने सर्कल्स में वेस्ट में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके अपने सर्कल्स में सबसे ज़्यादा हिंदू फोबिया है यहूदियों के बारे में फ़ोबिया है क्रिश्चियन फोबिया है मुझे नहीं समझ आती ये सिर्फ पाकिस्तानियों की ही बात नहीं इवन वेस्ट में बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत को सोचना चाहिए कि वो किस मुंह से ये बात करते हैं जो हमें इस्लामो फोबिया का सामना करना पड़ रहा है वो तो खुद हर रिलीजन के खिलाफ फोबिया का इजहार यहाँ पर भी करते रहते हैं पाकिस्तान में भी करते रहते हैं इनको कोई हक नहीं है कि इस तरह की बातें करें जब तक ये अपने अंदर सुधार नहीं लाते जब तक ये दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत और सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन जो इनके अंदर है वो ख़त्म नहीं करते इनको सामोफोबिया की बात करने से पहले एक हज़ार दफ़ा सोच सोचना चाहिए और जहाँ तक ये मामला है कि भारत की हुकूमत पे आ, आ, पाकिस्तानी बात करते रहते हैं या इवन पाकिस्तान से बाहर बसने वाले मुसलमान और वो भी ज़्यादातर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के बात करते रहते हैं मुझे ये सबूत दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, के ज़माने में भारत के मुसलमानों पर कितने मजालम हुए हैं किसी किस्म के मजालम का कोई सबूत नहीं है छोटे मोटे जो होते हैं ना इक्का दुक्का वाकयात जो लोकल बेसिस पे हुए हैं हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने से पहले कांग्रेस की सरकारों में कम्यूनल वायलेंस और कम्यूनल राइट्स बहुत हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तब जब हिंदुओं की एक ट्रेन को आ, नजर आतिश किया गया और आ, उसमें आ, पचास से ज़्यादा हिंदू मुझे अब नंबर एग्जैक्ट याद नहीं वो बेचारे जिंदा जल मरे थे उसमें फिर राइट्स फूटे और फिर कोई एक हज़ार प्लस लोग मरे और उसके बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर गुजरात के तौर पर गुजरात में किसी तौर पर भी राइट्स नहीं होने दिए और जब से वो प्राइम मिनिस्टर हैं दस साल से उन्होंने कहीं पर भी किसी किस्म के राइट्स को नहीं होने दिया सूरतयाल को कंट्रोल किया मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के लिबरल्स भी क्यों इतने बेशर्म हैं किस मुंह से वो बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे वो ये इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान की हकूमत को तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए अगर फर्ज कीजिए फर्ज कीजिए भारत में कहीं इक्का दुका कोई इशू हो भी तो पाकिस्तानी हुकूमत किस मुंह से ये बातें कर सकती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पर आए दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कायम टी, -टी के सेल से हमले होते रहते हैं पाकिस्तान उनको रोकने में क्यों नाकाम है और क्या ये हमले इसी तरह होते रहेंगे ये कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे जी देखिए टी टी पी यानी तहरीक पाकिस्तान दूसरा है तहरीक अफगानिस्तान तीसरा है दाइश खरासान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के आस पास दाइश का यानी आइसिस का ए, बहुत बड़ा एक अड्डा बन चुका हुआ इस वक्त इन सबसे पाकिस्तान के ऊपर हमले रुकते रहते हैं पाकिस्तान ने ही इनको आ, मदद दी है चाहे वो तरीक तालबान अफगानिस्तान हो चाहे तरीक तालबान पाकिस्तान हो चाहे इवन दाइश हो पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस की तरफ से ही इनको मदद माजी में मिलती रही है और अगर आज भी थोड़ी बहुत मिलती रहती हो तो मुझे कोई अचंभे की बात नहीं है मगर चूंकि जहाद एक कारोबार है और उस जहादी कारोबार के जो पाइनियर हैं वो पाकिस्तान आर्मी वाले खुद हैं और अब ये मिलिशिया में मिलिटेंट्स में ये कारोबार फैल चुका हुआ है उनकी अपनी दुकानें हैं पाकिस्तान ने कश्मीर के जहाद के नाम पे और अफ़गानिस्तान के जहाद के नाम पे ये छोटी छुट छोटी जो सब शॉप्स हैं जो आउटलेट्स इन्होंने किए थे आ, फर्दर रेंट आउट किए थे अब दुकानें कायम की थी वो अब इन्हीं को चैलेंज बनती रहती हैं इनमें से कुछ ग्रुप जो हैं कभी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल जाते हैं लेकिन आज कल इनकी ज्यादातर पाकिस्तान आर्मी के साथ ठनी हुई है क्योंकि इनको पाकिस्तान आर्मी की वसात से पैसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान आर्मी के पास अब जहाद का पैसा नहीं आ रहा जो पहले अरबों से और अमेरिका से आया करता था तो अब इनके जो ग्रीवियंस हैं इन ग्रुप्स के वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं आपका बुनियादी सवाल है कि क्या पाकिस्तान इनको रोकने में नाकाम क्यों है और कभी कामयाब हो सकेगा इनको रोकने में पाकिस्तान इनको रोकने में मुसलसल नाकाम रहेगा जिसके बारे में आ, हेलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ये सामप अपने बैक यार्ड में पाल रहा है ये जहादियों के और ये मुमकिन नहीं है कि इनके बैक यार्ड के सप इनको ना डसे तो ये ज्योग्राफिकल नहीं है जितना ज्योग्राफिकल मैस है ये पाकिस्तान का फैलाया हुआ है और इस मैस की वजह से पाकिस्तान इनको रोकने में नाकाम है ये इन्हीं के लोग थे इन्हीं को आंखें दिखाते रहते हैं क्योंकि जहाद एक बिजनेस है और इसके साथ साथ अब मतलब में मुझे कोई अचंबा नहीं होगा कि अगर इन जहादियों को दुनिया का कोई भी मुल्क खरीद ले उन जहादियों को आज फर्ज कीजिए चाइना खरीदता है अमेरिका खरीदता है पाकिस्तान खरीदता है कल इंडिया भी खरीद सकता है कल अगर इंडिया खरीदेगा तो फिर पाकिस्तान अगर उनको खरीदना चाहेगा वापस तो भी खरीद लेगा ये किसी के परमानेंट क्लाइंट्स नहीं है ये आ, किसी के भी ये क्लाइंट्स हो सकते हैं जो भी इनको पैसा दे। आपकी प्रीवियस आ, आ, कही हुई बातों में एक बात मुझे बहुत पसंद है जो आप कहते हैं कि जहादी कारोबार सबसे ज्यादा इस वक्त जोरों पर है यानी दुनिया की जो सनत सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है वो जहाद की है चलिए वापस आते हैं पाकिस्तान से कई कमेंटेटर्स इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मारशाला लगने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जुडिशरी में तनाव बढ़ता जा रहा है और मज़ीद ये कि आर्मी की इमरान खान से की जमात से सुलह नहीं हो पा रही आपको पाकिस्तान में मारशाला के इम्कान कितने ताकतवर दिखाई देते हैं देखिए पाकिस्तान में मार्शाला के बग़ैर ही मार्शल्लाह वाली सूरत हाल है पाकिस्तान आर्मी को अपरेंटली कोई ज़रूरत तो नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शाला लगाया जाए मगर पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ही ये कह रहे हैं कि इम्कान बढ़ते जा रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान के दो बड़े जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सफ़ आ रहा है एक तो पाकिस्तान की जुडिशरी यानी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इदारा पाकिस्तान आर्मी के बाद वो अब पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा है पाकिस्तान के जजों के ख़तूत ओपन ख़तूत जारी हो रहे हैं कुछ अरसे से जज तंबी कर रहे हैं जरनेलों को कि भई आप हमारी जुडिशरी के मामलों में असरानंदाज़ कर रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अभी एक लड़का फरहाद अहमद फरहाद शायर है वो आ, इन्होंने उठा लिया है मुबीना तौर पर उस पर ये कह रहे हैं जज के भाई उसको पेश किया जाए उन्होंने सेक्टर कमांडर आई एस आई आए, ब्रिगेडियर मिस्टर रजा शायद उनका नाम है उनको तलब कर लिया है तो ये इस लेवल अनप्रेसिडेंट जुडिशरी का जो दबाव है पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर वो पहले नहीं देखने में आया क्योंकि पहले आर्मी का ही दबाव रहता है जुडिशरी पर भी और हर द्वारे पर भी अब दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी तरफ आपने इशारा किया तहरीक इंसाफ़ का है इंसाफ के साथ पाकिस्तान आर्मी की किसी किस्म की कोटन कोट डील नहीं हो पा रही और तहरीक इंसाफ़ बहरहाल पाकिस्तान की सबसे पापुलर जमात है और वो लोग ओपनली सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के गली महलों में पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नफरत का इज़हार कर रहे हैं मेरा ख़्याल है पाकिस्तान आर्मी को इतनी नफरत विद इन पाकिस्तान आज तक देखने को नहीं मिली कई ऐसे मराइल आए जिसमें पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नफरत का इजहार पाकिस्तान की आवाम से मुखलिफ अंदाज में होता रहा मगर जिस अंदाज में नफ़रत का इजहार अब हो रहा है ऐसा इजहार कभी नहीं हुआ और जिस मकदार में और जिस तादाद में लोगों के जो नंबर हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ रिटेलिएट कर रहे हैं इससे पहले पाकिस्तान आर्मी को नहीं देखने शायद मिले तो इस सारी सूरत हाल में इसलिए पाकिस्तान के कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी इंसाफ को या पाकिस्तान की जुडिशरी को जो कि पाकिस्तान के इंसाफ के, के लिए जुडिशरी जो पाकिस्तान की अक्सर अक्सरियत जो जजों की है वो सॉफ्ट हार्ट रखती है तो कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अगर ये हालात काबू में ना आए तो वो जो काम पाकिस्तान आर्मी मार्शला लगाए बगैर किया करती थी वो शायद ना कर सके तो फिर उनको मार्शला लगाना पड़े तो मेरी राय में अगर ये आने वाले दिनों हफ्तों में हालात पाकिस्तान में काबू में ना आए तो हो सकता है कि पाकिस्तान ये माशा लगा दे क्योंकि दुनिया भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सनल हैं जैसे भी उनकी सिचुएशन है वो अपनी जगह पे लेकिन फिर भी दुनिया को थ्रेट रहता है कि यहाँ से प्रोलीफ्रेशन हो जाएगी लीकेज हो जाएगा या कोई भी मिसहैप हो सकता है तो दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान में ये पोलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी जिस लेवल पर इस वक्त देखी जा रही है जिसकी वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है तो दुनिया नहीं चाहती कि ये जो इंस्टेबिलिटी है ये इत, इसी तरह कायम रहे क्योंकि दुनिया को फिर न्यूक्लियर प्रोलीफ्रेशन का ख़तरा है तो दुनिया इसी बात पे ज़ोर दे रही है कि भई अपने आप को स्टेबल करो और पाकिस्तान आर्मी के पास फिर अपने आप को स्टेबल करने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा आ, अगर हालात यही रहे तो वो फिर माशा लगाएंगे ये अलग बात है कि माशा लगने की सूरत में इंस्टेबलिटी एक और किस्म की पाकिस्तान को खौफनाक लेवल पर फेस करना पड़ेगी चलिए बातें भारत में इलेक्शंस के प्रोसेस की तरफ जो कि आखिरी मरहले में है नतज के बाद बीजेपी को तीसरी बार इकतदार मिल गया जिसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं तब पीएम मोदी की तीसरी सरकार बनने की सूरत में वर्ल्ड जियो इकनॉमिक्स के बारे में आप थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए देखिए भारत में इलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल आखिरी मरल में है चार जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और जैसा आपने कहा इमकान इस बात का काफ़ी कवि है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीअलेक्ट हो जाएंगे तीसरी बार उनकी जमात की हुकूमत बन जाएगी और उस बात का भी ये इम्कान है कि वो फिर से मेजॉरिटी सरकार होगी उनके मेजोरटी सरकार बनने की वजह से एक बार फिर पावर में आने की वजह से दुनिया के जो जियो इकनॉमिक्स हैं उस पर यकीनी तौर पर असर होगा क्योंकि दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं भारत के इलेक्शन के रिज़ल्ट और भारत की जो इस वक्त प्रोग्रेस है वो बहुत बेहतर लेवल पे हो रही है भारत ऑलरेडी पाँचवीं बड़ी इकानमी है दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बनने के रास्ते पे है और तीसरी बड़ी इकानमी भी अगले तीन साल में बनता नज़र आ रहा है अच्छा भारत की जो इकानमी का नंबर है अगर तीसरी बड़ी इकानमी बनता है पाँच ट्रिलियन डॉलर को वो टच करता है तो भारत की इकानमी वेस्टर्न वर्ल्ड की इकानमी से ऑलरेडी बहुत मुख्तल है वहाँ पर पे पैरल इकानमी कैश इकानमी काफ़ी है क्योंकि मतलब अगरचे भारत में ये जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया उसे लगता यही है कि वहाँ पे कैश आ, सर्कुलेशन कम हो गई है मगर ऐसी बात नहीं है इसलिए हाँ इसलिए हाँ, कि लोग वहाँ पे आज भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का सौदा कैश में करते हैं आ, लोग अपनी दुकानें कैश की इन्वेस्टमेंट से करते हैं और ऐसा नहीं है कि उनमें लिटरेसी नहीं है नहीं नहीं तो वो एक, ट्रेडिशन एक रवायत के एक, एक 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 रवायत अपनी के तहत तहत एक कल्चर वो चल रहे हैं उसी तरह अपर मिडिल क्लास भारत की हो अमीर लोग हों उनके घरों में करोड़ों रुपए का सोना पड़ा होता है करोड़ों रुपए के जो होते हैं हीरे जवाहरात होते हैं तो ये कल्चर है ये उनकी एक ट्रेडिशन है इस ट्रेडिशन को या उनके एसेट्स को अभी दुनिया अकाउंट ही नहीं कर रही कि भाई ये कितने बड़े एसेट्स हैं तो मैं ये कहूँगा कि भारत की इकोनॉमी जितनी नज़र आती है उससे डबल है इनफैक्ट लेकिन ये बात तय है कि भारत में डिस्पेरिटी भी काफ़ी है अभी भी डिस्पेरिटी है और भारत का सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो गुरबत की सतह है वो पहले से गुर्बत कम हुई है रबत की सतह पहले से आ, मतलब कम हुई है यानी गुर्बत कम हुई है अब आइंदा पाँच सालों में दुनिया की नज़र जो जियो इकनॉमिक्स पे है भारत की गुर्बत की सतह अगर मजीद कम होती है तो इसका असर दुनिया पर पड़ेगा क्योंकि चाइना के साथ रूस के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की ठनी हुई है भारत ही अब एक बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेक स्टेक्स कि जिस में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने से जियो इकनॉमिक्स बहुत बदलेंगे भारत की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी दुनिया की गलबन चौथी बड़ी स्टॉक मार्केट है तो बहुत थ्राइविंग इकॉनमी है बहुत थ्राइविंग अल्टरनेट जो है हाँ यही इसी तरफ बहुत डिफरेंट मुआरा भी है इस, इसको हम चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हम आसानी से ना तो कंपेयर कर सकते हैं ना है। इसको समझ सकते हैं तो यकीनी तौर पर तीसरी अगर सरकार बनती है पीएम मोदी की तो काफ़ी जियो इकनॉमिक्स इम्पैक्ट दुनिया में देखने को मिलेंगे हम इस इसी से रिलेटेड एक और सवाल करना चाह रहे हैं कि आप अगले पाँच साल में रीजन के अंदर इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को मजीद किस तरह देखते हैं भारत अगले पाँच साल में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और बीजेपी दोबारा पावर में आती है जैसा कि नज़र आ रहा है कि ऐसा होगा होगा तो अगले पाँच सालों में रीजन के अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी इसलिए कि अब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दस सालों में आ, वो बड़े स्लो पेस में कुछ काम किए हैं कुछ फास्ट पेस में भी किए हैं वो खुद कहते हैं कि अब तक तो मैंने जो कुछ किया है वो ट्रेलर है आगे जो मूवी है वो आएगी ये तो वो खुद कहते हैं मुझे भी ये लगता है कि वाकई ये जितना कुछ हुआ ये ट्रेलर है उसके अगले पाँच साल बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ फास्ट पेस के साथ ऐसा दिखता है एक्शन लेंगे क्योंकि उसका कारण यह है कि उन पाँच सालों के बाद फिर उनका यही टारगेट है कि फिर उनकी सरकार को जीतना है पाँच सालों के बाद के जो इलेक्शन होंगे उनकी पार्टी को फिर जीतना है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जमात को बहुत फास्ट पेस काम करने पड़ेंगे रिजर्ट, क्योंकि रिजर्ट. हाँ क्योंकि पंद्रह साल की इनकम्बेंसी बहुत मुश्किल है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग तंग आ जाते हैं चेहरों से लोग चेंज पर चाहते हैं लेकिन विरादी में पोटिन जो है वो इसकी एक बहुत जिंदा मिसाल है नहीं वो, वो तो खैर अलग खेल है आ, वो तो डिक्टोरियल है खैर मैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्या क्या करेंगे अगले पाँच साल में रीजन के अंदर और रीजन से बाहर रीजन में एक तो ये कश्मीर का पी का मसला है इसमें हो सकता है बहुत रेडिकल कोई एक्शन देखने को मिले क्योंकि भारत तो ओपनली कह रहा है भारत को छुपा के तो कह नहीं रहा भारत कह रहा है कि हम ये पी ओ के ले कर रहेंगे अब वो क्या अगले साल में पी ओ के को लेकर रहेंगे पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं हर एतबार से तो पाकिस्तान क्या होल्ड ऑन रह सकेगा पी ओ के पे जो कि बड़ा मुश्किल है ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी पी ओ के लोगों की अक्सरीत भारत के साथ मिलना चाहती है उससे भारत फ़ायदा उठाते हुए क्या करेगा अच्छा सिर्फ बात वहाँ पर पी ओ के की नहीं है अफ़ग़ानिस्तान ईरान ईरान में ऑलरेडी चाबहार पोर्ट का जो है भारत को दे दिया गया है कंट्रोल ईरान और भारत के बीच जो माह हुआ था अभी कुछ हफ्ते पहले तो वो भी आगे जाएगा मामला फिर जो वेस्ट एशिया है यानी गल्फ स्टेट्स हैं दुबई सऊदी अरब आ, कतर ओमान बहरीन इनके साथ भारत के ऑलरेडी बहुत बढ़िया तलक हैं बहुत बढ़िया कारोबार हैं वो भी तेज़ी से आगे बढ़ते नज़र आएंगे और फिर जो रीजन है मालदीव श्रीलंका फिर ऊपर नॉर्थ में थोड़ा सा पहाड़ी इलाके जो हैं जो देश हैं भूटान नेपाल तो भारत का इन इलाकों में असर वसूख पहले ही बहुत है और तेज़ी से बढ़ेगा फिर आ, जो आ, इंडो पैसिफिक आ, में जो चाइना के साथ जो इशूज़ हैं उसमें भी भारत एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर मज़ीद आगे नज़र आएगा फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भारत की शराकत दारी बढ़ रही है उसमें और शराकत दारी बढ़ेगी तो भारत में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है जिसका इम्कान बहुत आ, मजबूत है तो भारत अगले पाँच साल में बहुत रेडिकल रेडिकल काम करेगा बहुत फास्ट पेस का फास्ट पेस चीजें हो जाएंगी चलिए अब हम थोड़ी देर अमेरिका के सियासी मंजरनामे के ऊपर तबसरा करते हैं के मुबसरीन अमरीका के सियासी मंजरनामे के बारे में क्यों कंसर्न हैं और ट्रंप के दोबारा सदर बन जाने पर दुनिया पर क्या असरा होंगे ट्रंप के दोबारा सदर बन जाने की सूरत में अमरीका के भारत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कैसे होंगे देखिए अमरीका का सियासी मंजरनामा पूरी दुनिया पर असर डालता है और अमरीका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी सबसे बड़ी मिल्ट्री पावर है और अमेरिका की भी जो पैरल इकानमी है जैसे मैंने भारत की बात की वो भी बड़ी मज़बूत है क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कारपोरेशन अमरीका में हैं जितने बड़े ज, न, आ, आई टी के या टेक के जॉन्ट हैं वो सब अमरीकी हैं आलमोस्ट अमरीका में बेशक सियासी मंजरनामे में जितनी मर्जी उथल पुथल रहे लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग नेशन है बहुत बड़ी पावर है और पावर हब है अब आ, जो वहाँ पे इलेक्शन इस साल के आखिर में होने जा रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स डेमोक्रेट के भी मिस्टर बाइडेन जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं और रिपब्लिकन के मिस्टर ट्रम्प दोनों कोई बहुत अजीम किस्म के लीडर नहीं हैं मीडियाकर हैं इन माय हम्बल ओपिनियन और दोनों बहुत एजेंट भी हैं ये भी एक फैक्टर है ज्यादा जो इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो ट्रंप जीत जाएंगे नवंबर में जब इलेक्शन होंगे तब भी ऐसा ही लगता है कि ट्रंप जीत जाएंगे लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता दुनिया के सियासी मंजरनामे में अगर ट्रंप जीते हैं हम ये सपोज करते हैं यही हमारा मफरूज़ा है अगर ट्रंप जीते हैं तो दुनिया पे क्या असरात होंगे अमेरिका पे क्या असरात होंगे अगर ट्रंप जीते हैं तो अमेरिका पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा इकॉनमी 19-20 के फर्क के साथ ऐसे ही चलती रहेगी चूँकि जो अमेरिका की डीप स्टेट है अमेरिका की कॉरपोरेशन हैं अभी तो यही लग रहा है कि वो ट्रंप के जीतने पे ज़्यादा खुश नहीं है अगर वो जीत भी गए तो वो बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए बर्दाश्त कर लेंगे उनको पता है ट्रम्प फिर ज़्यादा से ज़्यादा चार साल सदर रहेंगे उसके बाद तो फिर वो सदर बन नहीं सकेंगे और कॉरपोरेशनों को वो कितना बदल सकेंगे इसका कोई चांस नहीं है पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट थे तो ट्विटर की ये जो एक कॉरपोरेशन थी उन्होंने उनके सिटिंग प्रेसिडेंट होने के बावजूद उनको ट्विटर पे बैन कर दिया था तो दुनिया ने देख लिया कि सदर कितना हेल्पलेस है इन द हैंड्स ऑफ जॉइंट्स बिग कॉरपोरेशन तो अमेरिका पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अब दुनिया पर असर जरूर पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि यूक्रेन की जंग चल रही है इधर इसराइल और हमास का महाज बहुत ही गर्म है तो उस पर ट्रंप की जो पोजीशन होगी बाइडन के मुकाबले में मुख्तलफ होगी ट्रंप अगर आ जाते हैं तो वो यूक्रेन को जंग से रोक देंगे वो यूक्रेन ने वैसे भी इस वक्त ख़ुद डेमोक्रेट्स के और लिबरल सर्कल्स ये मान रहे हैं दर्जनों क्या सैकड़ों हजारों इंटरव्यूज इस वक्त पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जो बाइडन के सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अब पक्की बात है यूक्रेन हार ही ऑलमोस्ट हार गया है वो ये खुद कह रहे हैं खुद सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई वो तो अब हार ही गया है यूक्रेन तो जिस पे इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगाए वो हार गए या हारने के करीब है तो इसका मतलब ये है कि ये तो इनकी पॉलिसी नाकाम होगी वेस्टर्न वर्ल्ड की रूस को काउंटर करने की और यूक्रेन को हीरो बनाने की यूक्रेन नहीं जी सका मैं ना तो यहाँ पे यूक्रेन की मुखालफत कर रहा हूँ ना रूस के हमायती होने का यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ मैं मंजरनामा सिर्फ आपको बता रहा हूँ अच्छा इस पे पर अगर भी तो बहुत हाँ है, अब अगर ट्रंप वो काम करते हैं जो ऑलरेडी हो रहा है यानी यूक्रेन हार रहा है तो ट्रंप भी कहते हैं भाई तुम हार ही रहे हो तो जरा वापस आओ और तुमने जो हारे हुए इलाके हैं दे दो रूस को वो ऑलरेडी रूस के पास है तो इसमें ट्रंप के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम पड़ेगा होना वही अगर ट्रंप ना भी आए तो इंटरनेशनल ये यही होगा इसी तरह जो इसराइल और आ, हमास के सरसा में जो हो रहा है वो उन्नीस बीस तो के फर्क के साथ वैसा ही होगा अब इस सवाल का आपका तीसरा हिस्सा है वो हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये कहना है कि ट्रंप के सदर बन जाने की सूरत में भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कैसे तल्लक होंगे मैं ही समझता हूँ जैसे तल्लक आज हैं वैसे ही होंगे उसमें भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा बहुत मामूली सा आएगा भारत में लोगों का ये ख्याल है कि ट्रंप भारत के बहुत हामी हैं जो बाइडन नहीं ऐसी बात नहीं है मेरा भी ये ख्याल था जो बाइडन भारत के कोई बहुत ज़्यादा हामी नहीं होंगे लेकिन जो बाइडन भारत के ट्रंप से भी ज़्यादा हमायती रहे और भारत के साथ उन्होंने हर तरह का कोलैबोरेशन ट्रंप से ज़्यादा किया तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के सदर बन जाने की सदर की सूरत में भारत को मज़ीद फ़ायदा होगा ट्रंप से ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर अगरचि ी तौर पर जब ट्रंप पिछले चार साल पहले प्रेसिडेंट थे तो मैं उनका नस्बता हामी था इसलिए कि उनकी तमाम तर बलेंडरस के बावजूद उनकी स्टुपट बातों के बावजूद इसलिए कि वो एक नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट थे इसलिए कि वो स्टेटस को जो दुनिया का है उसको तोड़ते थे चैलेंज चैलेंज करते थे अपनी चाहे स्ट्रोपिटीज की वजह से मगर वो चाहिए होता है कोई ना कोई शेक करने वाला किसी ना किसी ज़माने में तो मैं इसलिए उनका हामी ही था अब आप जब वो अगर वो रियल एक्टिव हुए तो क्या वाकई ही वो उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह पीछे किया या उससे बेहतर या उससे बुरा ये तो तब पता चलेगा लेकिन आज की सूरत हाल में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रंप आए बाइडन आए भारत के साथ तल्लक अमरीका के आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के साथ जो तल्लक जिस सॉर्ट ऑफ लो लेवल पे हैं वो इसी तरह लो लेवल पे ही रहेंगे यानी एक्सटर्नल पॉलिसी में कोई खास जी बड़ बड़ा चेंज नहीं आने वाला चलिए आखिर में बात कर लेते हैं कनाडा की यानी कि अपने घर की कनाडा में इकॉनॉमी क्यों नीचे जा रही है और इसकी क्या वजुहत है जी हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं हाँ कनाडा में इकॉनॉमी uh, नीचे जा रही है ये बड़े दुख की बात है ये दुनिया के लिबरल इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं मैं कोई आ, मिस्टर टूडो के मुखालफी की बात नहीं कर रहा या कंज़र्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा की तनकीद की बात नहीं कर रहा या दुनिया के जो कन्ज़रवेटिव कमेंटेटर हैं उनकी बात नहीं कर रहा दुनिया के लिबरल इकानमिस्ट कह रहे हैं कि मिस्टर टूडो ने कैनेडा की इकॉनमी को ड्यूरिंग द पास्ट नाइन टेन ईयर्स काफ़ी बुरा हाल दिया है बहुत ही अफसोस की बात है बीच में से कोविड भी नहीं नहीं तो टफ डिसीजन नहीं, 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 नहीं टोटल डिसीजन नहीं है टूडो साहब का यही वतीरा रहा एक बार उनकी मेजोरिटी सरकार थी फिर दो माइनॉरिटी सरकारें हैं और ये दूसरी माइनॉरिटी सरकार चल रही है उनका नतीजा ये उनका उनकी कोशिश यही रही कि किसी ना किसी तरह मैं पावर को होल्ड ऑन रख लूँ अभी भी उनकी कोशिश ये है कि भाड़ में जाए कनाडा भाड़ में जाए कनाडा की इकानमी 2025 में जो इलेक्शन होने हैं तब तक मैं कोई ऐसा इकॉनमी में चक्कर चलाऊँ लोगों को मुफ्त पैसे बांटूँ अपने वोटर्स बढ़ाऊँ मैस इमिग्रेशन करूँ मैं बस जीत जाऊँ कैनेडा बाढ़ में जाता है तो जाए अब देखिए खुद अमेरिका के जो लिबरल आ, कमेंटेटर्स हैं और अमेरिका के लिबरल पॉलिटिशियंस मिस्टर ट्रूडो को कह रहे हैं कि भई बड़े शर्म की बात है कि नेट्रो में कैनेडा की कंट्रीब्यूशन जितनी प्रॉमिस कैनेडा ने की थी उससे कम हो रही है कैनेडा के पास पैसे उतने नहीं हैं इसी तरह कैनेडा की जो कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनली मुख्तलिफ एड एजेंसीज को रहती थी वो भी कम हो रही हैं सिर्फ टूडो साहब वहाँ वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं या मेनटेन कर रहे हैं जहाँ से उनको वोट बैंक का फ़ायदा है चाहे वो कैनेडा के अंदर हो या कैनेडा से बाहर इमिग्रेंट्स को बुलाने का हो तो टूडो साहब ने कैनेडा के सोशल फैब्रिक का भी बुरा हाल किया है और कनेडा का सोशल फैब्रिक अगर बुरा हुआ है तो उससे ज़्यादा इकॉनमी भी बुरी होगी तो मैं ये समझता हूँ कि टूडो साहब की इन हरकतों की वजह से कनाडा का वर्ल्ड स्टेज पे जो स्टैचर है वो गिरा है मुझे याद है आज से दस साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर थे कैनेडा के वजीर अजम तो उन्होंने काफी कैनेडा को वर्ल्ड स्टेज पे नुमाया किया था इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत जी, जी, जी बहुत किया फिर मुझे याद है तब तब एक दुनिया में कुछ तीन चार साल के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था कैनेडा महफूज रहा था और प्राइम मिनिस्टर हार्पर ने जिस तरह कनाडा को इंटरनेशनल सीन पे प्रोमिनेंट किया प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने अपनी सेल्फियों की वजह से या अपने पप्पू होने की वजह से तो ज़रूर कनाडा का नाम किया और अपना नाम किया मगर कनाडा को इन द एंड डबोया है और अब हम एफोर्ड एज कैनेडियन नहीं करते कि ट्रूडो हमारा प्राइम मिनिस्टर रहे कनाडा डिज़र्व बेटर लीडरशिप करता है मैं पियर पोलिवर्स से चूँकि अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है आ, तो मैं ये होप करता हूँ कि अग, अगला इलेक्शन वो जीतेंगे और जितना बुरा हाल ट्रूडो ने किया कम से कम उसमें से कुछ हमें बाहर निकालें लेकिन ट्रूडो ने तो कनाडा का काफ़ी बुरा हाल किया है जिसपे हमें बहुत दुख है और हम काफ़ी कंसर्नड हैं आज के बिला तकल्फ़ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया हम मजीद तबसरे करते रहेंगे आने वाले दिनों में आज का बिला तकल्फ़ शो मेरे और ताहिर इस गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.